हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिक स्टडी। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व करेंगे वही एक्सरसाइज 1C का RS अग्रवाल बुक का। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन ऑर्डर टू मेक अ शर्ट अ लेंथ ऑफ 2 मीटर 75 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड, देन हाउ मच लेंथ ऑफ द क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर 16 सच शर्ट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक शर्ट को बनाने के लिए 2 मीटर 75 सेंटीमीटर क्लॉथ का ज़रूरत है। पहले हम लोग क्या करते हैं कि 2 मीटर 75 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे दो यूनिट दिख रहा है आपको, एक मीटर है और एक सेंटीमीटर है, तो आंसर कंफ्यूजन में आ जाएगा, इसलिए पहले हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे। वी नो दैट हम लोग पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, तो 75 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, 75 बाई 100 मीटर। इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5, यहाँ 7 और पॉइंट और 1 है इसलिए यहाँ 0। तो इतना हम लोग को यहाँ तक हो गया कि 75 सेंटीमीटर को हम लोग 0.75 मीटर बोलेंगे। अब हम लोग इसको पूरा अगर करते हैं, सो 2 मीटर 75 सेंटीमीटर हो जाएगा 2.75 मीटर। यहाँ तक सब क्लियर है। आइए अब हम लोग इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे। क्लॉथ नीडेड फॉर वन शर्ट, एक शर्ट के लिए हम लोग को कितना क्लॉथ जरूरत हुआ, 2 मीटर 75 सेंटीमीटर, जिसको अभी हम लोग कन्वर्ट किए थे तो आया था 2.75 मीटर, इतना लेंथ। अब हम लोग दूसरा स्टेट लिखते हैं, क्लॉथ नीडेड फॉर 16 शर्ट, यहाँ हम लोग को 16 का निकालना है, तो हम लोग इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब आ जाएगा हम लोग का आंसर, 2.75 मल्टीप्लाई 16। आइए अब हम लोग इसको वर्किंग में सॉल्व करेंगे। सिक्स फाइव 30 का 0, 3 कैरी, 6 7 42 प्लस 3 45 का 5, 4 कैरी, 6 2 12 प्लस 4 16, ये गैप हो जाएगा, और फिर 1 का है, सो 1 5 5 7 और 2, क्योंकि हम मल्टीप्लाई 1 से ही करना है। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, 0 का 0 हो जाएगा, 5 प्लस 5 10 होता है, सो 0, 1 कैरी, 1 प्लस 6 7 एंड देन 7 14 का 4, 1 कैरी और 1 1 2 प्लस 2 दैट इज 4। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि पॉइंट है ये एक दो डिजिट के बाद, तो हम लोग को उसी तरीके से यहाँ 0 0 दो डिजिट के बाद ऐसे पॉइंट लगा देना है, तो इसका हो जाएगा 44, क्योंकि 0.00 है तो इसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, और हम लोग आंसर अब मीटर में निकाल रहे थे इसलिए हो जाएगा मीटर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, फॉर मेकिंग 8 ट्राउजर ऑफ द सेम साइज 14 मीटर 80 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड, देट हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर ईच सच ट्राउजर। यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 8 ट्राउजर ऑफ द सेम साइज, मतलब सारा ट्राउजर एक ही साइज का है, उसके लिए 14 मीटर और 80 सेंटीमीटर क्लॉथ का ज़रूरत हुआ, तो अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है कि ईच सच, ईच का मतलब होता है 1, तो एक ट्राउजर के लिए कितना क्लॉथ का ज़रूरत पड़ेगा। पहले इसको हम लोग यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग यूनिट है, एक मीटर है दूसरा सेंटीमीटर है, तो पहले लिख लेते हैं, वी नो दैट 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, सो यहाँ पे 80 दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर में हो जाएगा 80 बाई 100 मीटर,
अब इसको हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.80 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 14 मीटर 80 सेंटीमीटर, सो 14 का 14 मीटर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 80 सेंटीमीटर है जिसको हम लोग कन्वर्ट किए तो आया है 0.80 मीटर। तो अब ये दोनों को हम लोग जब प्लस करते हैं तो हो जाएगा 14.8 मीटर, जीरो को लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हो गया 14.8 मीटर। आइए अब इसको हम लोग स्टेटमेंट में लिखते हैं। सो सॉल्यूशन हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 8 ट्राउजर, क्योंकि पहले हम लोग का दिया हुआ है 8 ट्राउजर, उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है 14 मीटर 80 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट किए सो आया 14.8 मीटर। एक यूनिट में रहना ज़रूरी है। सो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट इसका हो जाएगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 ट्राउजर, क्योंकि ईच का मतलब 1 होता है, इसका हो जाएगा 14.8 मीटर डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि यहाँ 8 का दिया हुआ है उसी से हम लोग 1 का निकालेंगे। आइए इसको अब हम लोग वर्किंग में सॉल्व कर देते हैं। 8 इस तरीके से लिख देंगे 14.8। अब हम लोग इसको करेंगे तो 8 2 16 हो जाएगा, तो वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे 8 1 8 ले लेंगे। इसको हम लोग माइनस करेंगे, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट है इसलिए यहाँ पे पॉइंट दे देंगे। और फिर इस 8 को जब हम लोग नीचे उतारेंगे 68, अब 68 तो नहीं आता है बट 8 8 64 होता है, उसी को लेंगे क्योंकि वो से कम है। अब इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4। अब 4 तो 8 का टेबल में नहीं आता है इसलिए हम लोग यहाँ पे 0 लिख देंगे, और यहाँ पे पहले से हम लोग डेसिमल दे चुके हैं इसलिए फिर से देने का ज़रूरत नहीं है। और 8 5 40 हो जाएगा, सही हो गया 0। तो हम लोग का आंसर हो गया 1.85, और मीटर में हम लोग निकाल रहे हैं इसलिए मीटर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 इज द मास ऑफ अ ब्रिक इज 2 kg 750 ग्राम, देन व्हाट इज द टोटल मास ऑफ 14 सच ब्रिक्स। यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है मास ऑफ अ ब्रिक, अ का मतलब 1 होगा, उसका मास है 2 kg 750 ग्राम। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द टोटल मास ऑफ 14 सच ब्रिक्स। तो पूछा जा रहा है क्या कि टोटल मास 14 ब्रिक्स का कितना होगा। सबसे पहले हम लोग इसका यूनिट चेंज कर लेंगे, 2 kg 750 ग्राम है, सो वी नो दैट 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। सो उसी तरीके से हो जाएगा 750 ग्राम 750 बाय 1000 kg। अब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे सो हो जाएगा 0.750 kg, ठीक है। तो हम लोग पूरा लिख के करते हैं, 2 kg 750 ग्राम इज इक्वल टू 2 kg, बिकॉज यहाँ 2 का 2 पहले हो गया, प्लस करेंगे 750 ग्राम का हम लोग यहाँ क्या निकाले 0.750 kg। अब दोनों को ऐड कर देंगे सो हो जाएगा 2.750 kg निकल गया। अब हम लोग इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे, यहाँ पे एक ब्रिक का दिया हुआ है और 14 का निकालना है इसलिए हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। तो हो जाएगा मास ऑफ
वन ब्रेग इज इक्वल टू 2 kg 750 ग्राम, जिसको हम लोग निकाले तो क्या आया 2.750 kg। हाँ, क्योंकि हम लोग इसको kg में निकाले थे। सो अब इसका दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा, देयरफॉर मास ऑफ 14 ब्रेक्स टू पॉइंट 750 kg मल्टीप्लाई 14, क्योंकि 14 का निकालना है और ये हम लोग क्यों लिए, क्योंकि वन ब्रेक का इतना है तो 14 का उसी तरीके से निकालेंगे। वर्किंग में कर लेते हैं इसको, टू पॉइंट 750 मल्टीप्लाई 14, सो 4 0 जा 0 हो जाएगा, 4 5 जा 20 का 0, 2 कैरी, 4 7 जा 28 प्लस 2 करेंगे 30 का 0, 3 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 3 11, यहाँ गैप कर देंगे, और 1 0 जा 0, फिर 5 7 एंड 2, अब इसको ऐड करना है, 0 का 0 हो जाएगा, फिर इसका 0, इसका 5, 1 + 7 दैट इज 8 एंड 1 + 2 इज 3। हाँ, तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 3 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल दिया हुआ है, उसी तरीके से हम लोग यहाँ 3 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देंगे। तो अब इसको हम लोग लिख लेते हैं 38.500 kg, क्योंकि हम लोग इसको kg में निकाले थे, लेकिन आप अभी इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वो हो जाएगा 38 kg। यहाँ पे है 0.500 kg, तो उसको हम लोग कन्वर्ट में कर लेंगे ग्राम में, तो हो जाएगा 500 ग्राम। ये दोनों ही आपका आंसर आ सकता है, 38.500 kg या फिर 38 kg 500 ग्राम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 इज द टोटल मास ऑफ 8 पैकेट्स ईच ऑफ सेम साइज इज 10 kg 600 ग्राम, देन व्हाट इज द मास ऑफ ईच सच पैकेट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 8 पैकेट का मास है जो कि सब सेम साइज का है, वो है 10 kg 600 ग्राम। सो व्हाट इज द मास ऑफ ईच सच पैकेट, ईच का मतलब हम पहले भी बताए हैं कि 1 होता है, ठीक है। चलिए इसका अब हम लोग यूनिट चेंज कर लेते हैं। सो दिया हुआ है 10 kg 600 ग्राम एंड वी नो दैट 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। सो यहाँ पे 600 को हम लोग को कन्वर्ट करना है, 600 ग्राम इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 1000 kg। फिर से लिखते हैं, 600 ग्राम इज इक्वल टू हो जाएगा 0.600 kg। अब हम लोग इसको पूरा लिख लेते हैं, 10 kg 600 ग्राम इज इक्वल टू 10 kg, पहले 10 का 10 लिख देंगे और फिर प्लस करेंगे 600 ग्राम का, हम लोग यहाँ क्या निकाले 0.600 kg। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 10.600 kg, ये हम लोग का निकल गया। अब हम लोग इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे, सो सॉल्यूशन है, मास दिया हुआ है, टोटल मास ऑफ 8 पैकेट्स इज 10 kg 600 ग्राम, जिसको हम लोग निकाले तो क्या आया 10.600 kg। अब उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे एक का, सो मास ऑफ 1 पैकेट 10.600 kg, और हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 8 से, क्योंकि 8 का दिया हुआ है और हम लोग को 1 का निकालना है, सो 8 से डिवाइड कर देंगे। आइए इसको हम लोग वर्किंग में करते हैं,
एट डिवाइड 10.600। सो 8 2 16 ज़्यादा हो जाएगा, सो हम लोग एक वन बार में लेंगे, 8 1 8, इसको हम लोग जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2, और 6 का यहाँ उतार देंगे, और यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे हम लोग पॉइंट कर देंगे। तो ठीक है, अब 26 उसका टेबल में नहीं आता है, बट 24 आता है, 8 3 24, फिर से हम लोग माइनस कर देंगे, इसका 2 हो जाएगा, और ये 2 - 2 0 हो जाएगा, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्रॉस कर दीजिए। अब फिर हम लोग यहाँ 0 को उतारेंगे अब, सो अब 24 फिर से लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 2 बार में लेंगे, 8 2 16, माइनस करेंगे हो जाएगा इसका 4। अब ये 0 को हम लोग जब उतारेंगे तो 8 5 40, सो हो गया, इसका आंसर आ गया 1.325 kg, क्योंकि हम लोग यहाँ पे kg में निकाल रहे थे। इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, ग्राम में अगर लिखना है तो 1 kg 325 ग्राम, ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। सो चलते हैं इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है। अ रोप ऑफ लेंथ 10 मीटर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 8 पीसेस ऑफ द सेम लेंथ, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस। इसमें बोला जा रहा है कि मान के चलिए एक रोप है जो है 10 मीटर लेंथ, जिसका हो जाएगा यहाँ 10 मीटर। अब उसको बोला जा रहा है कि वो 8 पीस में उसको डिवाइड करना है, और सेम लेंथ भी होगा, तो सेम लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7, और अगर ऐसे लेंगे तो हो जाएगा 8। ठीक है, 8 पीस में हम लोग इसको डिवाइड कर दिए, और यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस, ईच का मतलब सारा, तो इसका 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 करके मतलब सारा पीस का लेंथ क्या होगा। तो इसको हम लोग पहले स्टेटमेंट में लिखते हैं, टोटल लेंथ ऑफ रोप इस 10 मीटर है, और यहाँ पे नंबर ऑफ पीसेस क्या हो जाएंगी, 8, सो नंबर ऑफ पीसेस 8 दिया हुआ है। सब हम लोग को फाइंड करना है लेंथ, देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच पीस। ठीक है, तो हम लोग को इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे, 10 मीटर डिवाइड 8। अब आइए इसको हम लोग वर्किंग में सॉल्व कर लेंगे, 8 डिवाइड करना है हम लोग को 10 से, तो 8 2 16 ज़्यादा हो जाएगा, और 8 1 8 ले लेंगे हम लोग, इसलिए ये हो जाएगा, और 10 में से 8 हम लोग माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 2। अब 2 तो डिवाइड नहीं हो पाएगा 8 से, इसलिए हम लोग को यहाँ डेसिमल देके यहाँ 0 कर देना है। अब 8 2 16 हो जाएगा, फिर माइनस करना है तो 20 में से -16 4 होता है, अब फिर से अब नहीं हो पाएगा 4, क्योंकि छोटा है, इसलिए फिर से हम लोग को यहाँ 0 पुट कर देना है, और ये 5 हो जाएगा, 8 5 40, और ये 0 0 आ गया, तो इसका हो जाएगा 1.25 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग का मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, आंसर। सो इसी के साथ हम लोग का एक्सरसाइज 1C कंप्लीट हुआ। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।